दोस्तों ये है हमारे टॉप 5 विंटर फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट। आप देख सकते हैं और सारी स्पीशीज आपको मालूम होगी, अगर नहीं मालूम है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा इनके बारे में कुछ नॉलेज। और वीडियो एंड तक देखना, क्या पता मैं कुछ और फ्लावर प्लांट भी बता दूँ। फ्रेंड्स, ये है गैरबेरा का प्लांट। गैरबेरा देसी फ्लावर भी बोलते हैं इसको। ये अलग अलग साइजेस और कलर में आते हैं दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये प्लांट, और ये करीब 4 से 5 दिन तक इसी तरह ये खिला हुआ रहता है दोस्तों। जब भी एक फूल डेड होता है, न्यू कली स्टार्ट हो जाती है आने के लिए। चलिए न्यू कली देखते हैं। हमारी ये न्यू कली रेडी है दोस्तों फ्लावर बनने के लिए। और जिस तरह आप देख रहे हैं, हमारे पास एक रानी कलर है, तो रानी कलर बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। क्वीन कलर सभी का फेवरेट है। और फ्रेंड्स, ये हम जहाँ से लाए हैं वहाँ पर 20+ फ्लावर थे, बट हमारा रानी का कलर बहुत अच्छा लग रहा था। और दोस्तों, अगर बात करें इसके फ्लावर की साइज़ की, तो दोस्तों 2 इंच से लेके 5 इंच तक होता है, बट रिकॉर्ड किया गया है कि इसका 7+ इंच का भी एक फ्लावर अवेलेबल था। और फ्रेंड्स, इसका यूज़ बुके में होता है, और बहुत अच्छी तरीके से ये 3 से 4 दिन तक बिना प्लांट के भी रह जाता है। आप अगर इसको कट करते हैं और अपने किसी भी गेस्ट रूम में आप इसको अगर रखते हैं 4-5 दिन के अंदर वाटर ग्लास के अंदर, तो ये इजीली स्टे रह जाता है। तो ये दोस्तों विंटर फ्लावर के लिए बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है, और ये आपके गार्डन को बहुत अच्छा बना देगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट फ्लावर की दोस्तों। फ्रेंड्स, ये गुलदावरी का पौधा है, और ये बहुत शानदार लगते हैं दोस्तों, क्योंकि बंच में फ्लावर आता है। और अगर आप इनको बड़ा पॉट देंगे तो ये बहुत सारे फ्लावर प्रोड्यूस करेगा दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा फ्लावर प्रोड्यूस कर देगा। और इसमें कलर वैरायटी दोस्तों बहुत सारी आती है, रेड, पिंक, वाइट, येलो, काफ़ी सारे कलर होते हैं इसमें। विंटर में बहुत सारे फ्लावर आते हैं दोस्तों इसको, और इसको अपन पूरे साल तक सेव करके रख सकते हैं। बस इसके ऊपर धूप तेज नहीं आनी चाहिए, बाकी ये प्लांट डैमेज होके मर जाएगा। तो बात करते हैं दोस्तों, इसको सॉइल कैसी चाहिए, वाटर कैसा चाहिए। सॉइल दोस्तों इसकी वेल ड्रेन होनी चाहिए, बट हमेशा सॉइल के अंदर मॉइस्चर रहना चाहिए। देखिए एक बार सॉइल देखते हैं इसकी किस तरह से मॉइस्ट है। आप देखें, ये सॉइल है जो कि काफ़ी मॉइस्ट है दोस्तों। देखें, फिंगर पर आसानी से चिपक गई है। तो इसी तरह इसकी सॉइल हमेशा मॉइस्चर रहना चाहिए दोस्तों सॉइल के अंदर। दोस्तों बात करें इसकी प्राइस की, तो ये हमें नियर अबाउट 100 रुपीज़ का मिला है दोस्तों। और 100 रुपीज़ में ये हमें 6 से 7 मंथ काफ़ी अच्छे फ्लावर देगा। तो 100 रुपीज़ इतनी बड़ी बात नहीं होती। और हम इसको एक बड़ा सा पॉट देंगे, सेपरेट पॉट देंगे, जिस तरह हम पिटूनिया को सिंगल पॉट लगा सकते हैं 3-4 पौधे एक साथ, बट इसमें हम लगा सकते हैं एक बड़ा पॉट, तो ये हमें बहुत ज़्यादा फ्लावर देगा। और दोस्तों इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें एक प्लांट के साथ दूसरा प्लांट फ्री मिला है। देखें किस तरह एक और सीड ने यहाँ से जर्मिनेशन ले ली है, तो काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों ये प्लांट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्लांट की। पिटूनिया का फ्लावर काफ़ी खूबसूरत लगता है, और ये करीब 6 महीने तक, अभी नवंबर में आ चुके हैं, अक्टूबर नवंबर में, तो करीब मार्च तक ये टिके रहेंगे और इसी तरह फ्लावर प्रोड्यूस करते रहेंगे। और देखें कितने ब्राइट कलर हैं इनके, कितने वंडरफुल कलर हैं, और ये हमारे गार्डन को ऐड टू बना देते हैं, बहुत खूबसूरत बना देते हैं। अगर इस तरह के फ्लावर प्लांट आप लेकर आते हैं, और इनका कॉस्ट भी दोस्तों बहुत कम होता है, सिर्फ आपको 20 या 30 रुपीज़ में मिल जाएंगे। और 35+ स्पीशीज़ होती हैं इनके अंदर, और इनकी मेजर कलर मैं आपको दिखा देता हूँ, येलो, पिंक, रेड, वाइट, पर्पल, ये इनकी मेजर कलर होते हैं दोस्तों। जिस तरह ये रेड है, पिंक है, और ये पर्पल है, और वाइट कलर का हमारे पास नहीं है, बट आप कुछ शेड देख सकते हैं यहाँ पर वाइट इस तरह का फ्लावर आता है। तो फ्रेंड्स, मेजर 5 कलर होते हैं इसके। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही हैवी फीडर होते हैं, बहुत ज़्यादा इनको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं ये दोस्तों। तो आप इनको रेगुलर हर दूसरे या हर 10th डे, मतलब कि हर 10वें दिन आप इसको फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। अगर मैं कहूँ तो आप इनको नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देंगे दोस्तों, जो कि स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र होता है, तो वो आपकी सॉइल को बहुत अच्छा बना देगा और न्यूट्रिएंट्स से भर देगा दोस्तों। तो आपको ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये ज़्यादा से ज़्यादा ब्लूम करते रहेंगे। फ्रेंड्स, हमने एक फ्लावर टावर बनाया है पिटूनिया का, वो वीडियो आप ज़रूर देखना, क्योंकि काफ़ी अच्छा बनाया है हमने, और बहुत अच्छा काम करने वाले हैं इन फ्लावर के साथ भी। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हमने 3 प्लांट्स कवर कर लिए हैं दोस्तों। पिटूनिया ये हमारा तीसरा पौधा है। अब आते हैं चौथे प्लांट के ऊपर।
दोस्तों ये है मैरी गोल्ड के फ्लावर, और देखें आप दो स्पीशीज रखी हुई है मैंने सामने, एक है प्योर ऑरेंज कलर और एक ये मिक्स ब्रीड है दोस्तों। तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगता है कंपैरेटिवली हमारे जो नॉर्मल गेंदे का फूल जो होता है, तो थोड़ा सा पैटर्न में लाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स ये भी करीब आपको 20-30 रुपीस के आसपास ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। और इस मैरीगोल्ड प्लांट की केयर करना बिल्कुल आसान है दोस्तों, आप सिर्फ एक बड़ा सा पॉट दे दीजिए और देखें आप कितनी सारी कलियाँ हैं। यहाँ पर एक कली है, यहाँ पर कली खिलने वाली है। सो फ्रेंड्स अभी हम इनको बहुत ही अच्छे वाले पॉट में रिप्लेस करने वाले हैं, रिपोर्ट करने वाले हैं। हम उन पॉट का इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों, हमने ऑनलाइन मंगाया है वो पॉट, आप ज़रूर देखना वीडियो आगे तक, कुछ ही दिनों में वो आ जाएंगे हमारे पास, फिर हम शेयर करेंगे आपके साथ हमने किस तरह के पॉट में इनको लगाया है। यहाँ पर एक कली है दोस्तों, तो इनकी केयर बहुत आसान है दोस्तों। इसमें नॉर्मल सॉइल चाहिए और वाटर भी आप रेगुलरली डाल सकते हैं, ये प्लांट कभी ख़राब नहीं होगा क्योंकि ये प्लांट बहुत अच्छे से वाटर और हीट को सहन कर लेता है। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे चौथा प्लांट, और अब आ जाते हैं लास्ट प्लांट के ऊपर। दोस्तों ये है मेरा कैलनचुई का प्लांट जो कि फ्लावर कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करता जा रहा है, और जो पुराने फ्लावर थे वो गिर चुके हैं, जिस तरह आप यहाँ पर देख रहे हैं पुराने फ्लावर जो गिर चुके हैं, बट फिर से न्यू ग्रोथ हुई है और न्यू बडिंग स्टार्ट होने वाली है दोस्तों। हमने इसके ऊपर एक प्रोपोगेशन वीडियो बनाया है, आप ज़रूर देखें किस तरह से हमने प्रोपोगेशन करा था, और काफ़ी आसान तरीके से करा था दोस्तों। देखें कितनी हेल्दी कटिंग हो चुकी है हमारी, और फ्लावर भी रहने दिए थे तो फ्लावर भी हैं और न्यू ग्रोथ यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। आप जिस तरह देख रहे हैं न्यू बर्ड है यहाँ पर। हमने इसके साथ एक और प्रोपोगेशन करी थी दोस्तों, हमने ग्रीन स्टेम यूज़ करा था और एक ब्राउन स्टेम यूज़ करा था, दोनों में अच्छी ग्रोथ है, दोनों का प्रोपोगेशन बहुत आसान तरीके से हुआ है। तो वो वीडियो भी ज़रूर देखें कि इनकी प्रोपोगेशन आप कर सकते हैं और मल्टीपल प्लांट बना सकते हैं, वो भी इसी सीज़न में, विंटर के। अदर सीज़न में प्रोपोगेशन नहीं होगी अच्छी वाली, प्लांट डैमेज भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसको सॉइल रिक्वायरमेंट क्या रहती है। हमारे कैलनचुई प्लांट की दोस्तों सॉइल रिक्वायरमेंट नॉर्मल गार्डन सॉइल दे सकते हैं, प्लस कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट तो आपको देना ही है क्योंकि हैवी फीडर होते हैं ये भी, कंटिन्यूसली फ्लावर प्रोड्यूस करते रहते हैं, तो प्लांट को एनर्जी बहुत चाहिए। तो अब देखें किस तरह छोटे से पॉट में हमने इसको लगा रखा है और काफ़ी बड़ा सा प्लांट है, तो अभी इसको हम बड़ा पॉट देंगे और रिप्लेस करेंगे इस पॉट के साथ। बहुत सारा काम बाकी है दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए और अच्छे अच्छे नॉलेज लेते रहिए दोस्तों किस तरह प्लांट की केयर करनी है। तो अब आ जाते हैं दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5 प्लांट हमने कवर कर लिए हैं। अगर आप वीडियो एंड तक देखते हैं तो आपको बेनिफिट होगा ऑब्वियसली। सो फ्रेंड्स एडिशनल बेनिफिट मिला है आपको वीडियो एंड तक देखने का, हम आपको दो प्लांट और शेयर करेंगे आपके साथ विंटर के, जो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं दोस्तों और इनके फ्लावर भी कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होते रहते हैं। यूफोर्बिया मिली दोस्तों कैक्टस वैरायटी है जो पानी कम चाहिए बट फ्लावर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। आप इस तरह देख रहे हैं यहाँ पर फ्लावर है, यहाँ पर आने वाले हैं और अंदर बहुत सारे हैं दोस्तों, हम जूम करके देखते हैं अगर दिख जाते हैं। काफ़ी सारे प्लांट्स फ्रेंड्स यहाँ पर हैं, छोटे छोटे फ्लावर है जो बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इसकी केयर बहुत आसान होती है, इसको ना फर्टिलाइज़र चाहिए ना पानी चाहिए ना कुछ भी चाहिए, बट ये क्राउन ऑफ थ्रोन नाम से भी जाना जाता है और काफ़ी ज़्यादा फ्लावर प्रोड्यूस करता है। दो वेराइटी आती है दोस्तों, वाइट कलर और रेड कलर, आप देखें हमारे पास रेड कलर है। तो चलिए नेक्स्ट प्लांट पर आ जाते हैं, हम सभी का फेवरेट प्लांट है दोस्तों सदाबहार का, क्योंकि इस प्लांट को कुछ भी नहीं चाहिए दोस्तों, ये जंगलियों के जैसे उगता रहता है हमारे घरों के आसपास, जो पिंक कलर क्या होता है वो, बट दोस्तों ये वैरायटी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, थोड़ी सी ग्राफ्ट करीबी होती है दोस्तों, और ये सिर्फ और सिर्फ सर्दियों में ही अवेलेबल होता है और गर्मियों में ये प्लांट डेड हो जाता है, ज़्यादा पानी देने से भी ये मर जाएगा। हमारा सदाबहार का वैनिका, वैनिका रोज़ भी बोलते हैं दोस्तों इसको, आप देखें कितने प्यारे प्यारे कलर है इसके। और फ्रेंड्स हमारे घर पे छोटा बच्चा है तो उसने फ्लावर के पेटल्स तोड़ दिए हैं,
बट न्यू फ्लावर आने लग गए हैं फिर से, तो फिर से ये प्लांट अच्छा कवर हो जाएगा। और इस प्लांट को अगर आप दोस्तों बड़ा पॉट देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और काफ़ी सारे प्रोड्यूस करता है फ्लावर। और फ्रेंड्स अगर बात करें प्रोपोगेशन की तो सीड प्रोड्यूस हो रहे हैं दोस्तों। अगर इन सीड्स को आप सेव करके विंटर तक फिर से लगा देते हैं तो ये फिर से ब्लूम करेंगे। हम कोशिश करेंगे इनके सीड्स सेव कर लें। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो, जिन्होंने एंड तक देखा है उनको काफ़ी सारे फ्लावर दिखा दिए हमने। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये प्यारे प्यारे फ्लावर्स को शेयर ज़रूर करें और सभी को बोलें कि इतने प्यारे प्यारे फ्लावर लेकर आए। और बात करें इसके कॉस्ट की दोस्तों, तो ये हमें 200 से 350 के बीच में मिला है। एग्जैक्ट प्राइस हम शेयर नहीं कर सकते क्योंकि हमें थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ज़रूर लाइक करें, ज़रूर शेयर करें और ज़रूर ज़रूर इस तरह के फ्लावर लेकर आएँ। थैंक यू फ्रेंड्स।